हेलो पीपल, इट्स मीशान। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अपकमिंग मूवी जिसका नाम है गुड बाय। इट्स स्टारिंग वेरी अनयूजुअल कास्ट एंड दैट इज अमिताभ बच्चन एंड रश्मिका मंदाना। आई मीन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन दो एक्टर्स को मैं यू नो एज अ लीड देखूंगा किसी मूवी में। दिस इज वेरी वेरी अनयूजुअल। इट इज डायरेक्टेड बाय विकास बहल एंड विकास बहल इज अ डिसेंट डायरेक्टर। एक सेटबैक रहा है उनकी लाइफ में विच इज शानदार, बट अदर देन दैट चाहे वो चिलर पार्टी हो, चाहे वो क्वीन हो, चाहे वो सुपर 30 हो, ही मेक्स मूवीज रियली वेरी गुड। एंड उनकी एक वेब सीरीज है स्टारिंग सुनील ग्रोवर कॉल्ड सनफ्लावर, इट्स ऑन Z5। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज डू वॉच इट, इट इज वेरी एंटरटेनिंग। सुनील ग्रोवर इज रियली एपिक। वो सनफ्लावर के, विकास बहल सनफ्लावर के डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, क्रिएटर भी हैं। सो डू चेक इट आउट इफ यू हैवंट इट, इट्स अ नाइस वॉच। एंड हियर वी आर गुड बाय स्टारिंग अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना एंड डायरेक्टेड बाय विकास बहल। सो चलिए देखते हैं, ये लंबा ट्रेलर, इट्स 3 मिनट्स लॉन्ग, सो लेट्स वॉच इट डायरेक्टली एंड लेट्स सी इसमें क्या होने वाला है। सो गुड बाय ऑफिशियल ट्रेलर। फर्स्ट सैलरी के बाद आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट। ओपोजिट नीना गुप्ता लगता है। इंसल्ट नहीं, आपको प्राउड करने के लिए। अरे प्राउड करना तो पहले बात करना सीखो। लड़ना तो लड़ लो, पटाखे पे सर मत रखना, करना नहीं चाहिए। ओह शिट, कल तो आपके पापा का और बहुत बार बोला देता तो तभी पापा ने बोला था आपका नाक का डेथ हो गया है। मामा को ये सब कभी पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं? ये ड्रामा, नाक भी रुई, पैर बंधे हुए हैं, नो लॉजिक। दो दिन से उसका फोन नहीं उठाया इसने, रात भर फोन करती रही तुम्हें, देखा गया था तुम्हारा लॉजिक। पापा अभी भी जिंदगी लड़का हूँ। सर ये बटर चिकन एंड बटर गार्लिक ना। थोड़े दिन बियर भी मंगा ले, पार्टी कर ही रहा है तो ठीक तरह से करना। अमेरिकी हो गए हो तुम, वहाँ होता हो गए ये सब। सुबह माँ की अर्थी का योग और रात को संभोग। मीटिंग में यहाँ पे सब लोग अपनी मर्जी से कराते हैं और हम तो भगवान के दूत हैं। किसी ने सोचा कि उन्हें क्या चाहिए था, वो कैसे जाना चाहती थी, कैसे उन्हें क्रिमेशन चाहिए था? ये कोई बर्थडे नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह हम सेलिब्रेट करना चाहते। बर्थडे तो हर साल आता है, ये एक बार आती है ना। हजारों सालों से ये रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, अगर तुम्हें उनमें विश्वास नहीं है तो इसमें दुनिया की गलती नहीं है। जन्ना रहना छू शब्द दे नाल में, जन्ना रहना छू शब्द दे नाल में। गायत्री जी के बारे में क्या याद करेंगे, उनकी छोटी छोटी बातें ही ना, या इसमें भी कोई साइंस? गायत्री जी इस धरती पर पहले भी बहुत बार आके गई है और इस जन्म में तुम्हारे लिए अपनी छोटी छोटी कहानियां छोड़ के चली गई। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुमको। जन्मों जन्मांतर की लड़िया ये कड़िया, हर योनि हर जीवन अनुवाद तुम हो। जय काल about losing a parent just hits me right there, man. I didn't expect that this is going to be that emotional for me, but it is, of course. man, I'm becoming speechless. This looks really, really good. Let's focus on the cinema, keeping the emotion aside. This looks really, really good. And that's a reality in today's world, right? I mean, इतनी बड़ी बड़ा मिसहैप हुआ है एंड यू नो द सन इज वरीड अबाउट कि मुझे बाल काटने पड़ेंगे तो मैं मीटिंग में गंजा जाऊंगा। वो अर्थी दे रहा है एंड उसके एयरपॉड्स लगे हुए हैं कान में। दिस इज सो डैम यू नो डिसरिस्पेक्टफुल। आई मीन हो सकता है कोई मीटिंग चल रही होगी, वॉट एवर,
It is, man. It is so disrespectful. On the other hand, I mean, I feel like I'm divided in two. मुझे ऐसा लगता है मैं दो जगह थोड़ा सा divided हूँ, क्योंकि एक तरफ ऐसा लग रहा है जैसे you know कि हाँ, it makes sense. You have to be practical in life, right? I mean, come on. कि वो you know 13 दिन तक यहाँ घूम रहे हैं, 18 फुट में, मतलब whatever they are talking about, and you know north की तरफ रखना है, a lot of you know superstition. Which is एक you know young generation के लिए that is stupid, that is illogical. But एक ऐसी generation जो बचपन से ये चीज़ follow करती हुई आई है और वो मानते हैं कि चीज़ें ऐसे होती हैं, उनकी feelings की respect करना is also very very important. And I think this is going to be an emotional roller coaster. ये comedy तो होगी ही, obviously there going to be some you know comedy stuff going on. वो you know background music से पता चल रहा था and stuff. लेकिन this is going to be an emotional roller coaster. इसमें this movie is gonna make us cry. This is gonna Sunil Grover का जो dialogue था कि गायत्री जी बहुत बार आई हैं यहाँ पे, बस इस बार जो आई थी वो अपनी छोटी-छोटी memories, छोटी-छोटी कहानियाँ आपके लिए छोड़ के चली गई. That is a wow dialogue. I mean, I think a lot of amazing messages मिलेंगे लोगों को इस मूवी से. ये मूवी इस तरीके का यू नो एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करेगी लोगों में, जिससे उन्हें रियलाइज होगा कि क्या होता है, व्हाट इज लाइफ, राइट? आई मीन यू हैव नो आइडिया. यू हैव इट राइट नाउ, मे बी टुमारो व्हेन यू वेक अप यू वोंट हैव इट. इट्स सो अनसर्टेन, बट व्हाटएवर वी हैव जस्ट लिव इट टू द फुलेस्ट मैन एंड नेवर हैव एनीथिंग बैड अबाउट समवन इन योर हार्ट, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन दैट पर्सन इज गोना गो. जैसे बताया उन्होंने कि अगर इतनी फिकर होती या इतना यू नो लॉजिक कर रहे थे तो दो दिन से वो तुम्हें फोन कर रही थी, फोन क्यों नहीं उठाए उनका. बट दैट इज द रीजन यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज टॉक टू योर पेरेंट्स. व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स मैन, नथिंग एल्स मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स. ओके, यू नो आई एम बिकमिंग ब्लैंक एंड गेटिंग फ्लैशबैक्स ऑफ माई ओन लॉस, सो आई थिंक आई शुड स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर. प्लीज़ टेल मी योर थॉट्स, मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है, यू नो कैसा लगा ये ट्रेलर देख के. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट वन, आई विल डेफिनेटली वॉच इट. एंड कूडोज टू विकास वेल टू पिकिंग अप सच अ टॉपिक. बहुत नेसेसरी टॉपिक है और बहुत एंटरटेनिंग, बहुत मजा आएगा इसे देखने में. इट इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर मैनी, सो कूडोज टू दैट. ये वीडियो को पसंद आई तो प्लीज़ गाइज लाइक करिए इस वीडियो को. अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को. इफ़ यू वांट कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, सारे यू नो सोशल मीडिया, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं आपके लिए. एंड इफ़ यू वांट आई हैव अ सेकंड गेमिंग चैनल, जो एक जिसमें मैं गेम्स खेलता हूँ, गोइंग गेम प्ले वॉक थ्रूज वीडियोज डालता हूँ. राइट नाउ आई एम प्लेइंग होराइजन जीरो डॉन पीसी में. सो इफ गाइज आर इंटरेस्टेड वॉचिंग दोस काइंड ऑफ गेम प्ले वॉक थ्रूज वगैरह, सो उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. And that's it. जल्दी मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ. Till then, bye bye, take care and stay safe.